दोस्तों, अगर हम बजट सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन लेते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है रैम और स्टोरेज की। अगर आप लेते हैं 7 या 8 हज़ार का कोई स्मार्टफोन तो आपको 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज या 3 GB रैम या 32 GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो मिलेंगे 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ, और उनका प्राइस रेंज भी 8 हज़ार या इससे कम में ही मिलने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट को बनाते टाइम हमने बहुत सी बातों का ध्यान रखा है, जैसे जो स्मार्टफोन मैंने इस लिस्ट में शामिल किया है वो ड्यूल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता हो और उसके अंदर कम से कम ऑक्टाकोर का प्रोसेसर हो। साथ ही साथ उस फ़ोन की डिस्प्ले या तो डॉट नॉट डिज़ाइन के साथ हो या ड्यू ड्रॉप डिज़ाइन डिस्प्ले होना चाहिए उस फ़ोन का। इसके अलावा हमने उस फ़ोन की बैटरी को कम से कम 3000 mAh की होने के बाद ही इस लिस्ट के अंदर उस फ़ोन को शामिल किया है। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कर लीजिए आपके चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो टॉपिक को। जो सबसे पहला स्मार्टफोन अंडर 8000 में 4GB 64GB के साथ आपको मिलता है, उसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 8। इन्फिनिक्स हॉट 8 के स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। 6.52 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले मिलेगी, मीडिया टेक का हेलियो P22 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर पर काम करता है। 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है। 13+2+ VGA कैमरा का ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप मिलने वाला है जिस पर लगी होगी क्वालिटी फ्लैश। 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है और यहाँ पर भी आपको फ्लैश लाइट मिलने वाली है। 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और प्राइस इस फोन का मिलने वाला है आपको सिर्फ 6999 रुपये। अगर प्राइस को देखा जाए तो इस फोन में सब कुछ अच्छा है, चाहे बात करें बैटरी की, चाहे बात करें कैमरा की, चाहे बात करें प्रोसेसर की। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो वो आता है कूलपैड की तरफ से Cool 5। ये स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च हुआ है। अगर बात करें इस फोन की स्पेसिफिकेशन की वो कुछ इस तरह से देखने वाले हैं। 6.22 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, मीडिया टेक का हेलियो P22 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर पर काम करता है। 4GB की रैम मिलने वाली है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा 13+2 MP का, यहाँ पर ड्यूल LED फ्लैश लगी हुई मिलेगी आपको रियर साइड में। 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, यहाँ पर आपको ओनली स्क्रीन फ्लैश से काम चलाना पड़ेगा। 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। प्राइस इस फोन का मिलने वाला है 7999 रुपये। इस फोन का प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 8 के, लेकिन यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा 16 MP का मिल रहा है जो कंपैरिजन टू हॉट 8 के ज़्यादा बेटर होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो वो आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो E6s। ये स्मार्टफोन भी लास्ट मंथ में लॉन्च हुआ था। अगर बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशन की वो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलने वाले हैं। 6.1 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, मीडिया टेक का हेलियो P22 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलेगा, रैम मिलेगी आपको 4GB की, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है। 13+2 MP का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, यहाँ पर भी आपको ड्यूल LED फ्लैश देखने के लिए मिलने वाली है। 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, यहाँ पर बैटरी थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है, 3000 mAh की मिलेगी। इस फोन की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने के लिए मिलने वाला है। प्राइस रेंज की बात करें तो ये फोन आपको मिलेगा 7999 रुपये का। मोटोरोला की तरफ से पहली बार इतना अग्रेसिव प्राइस दिया गया है इतने सारे फीचर्स के बाद। चलिए बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो वो आता है Xiaomi की तरफ से Redmi 8। Redmi 8 हाल ही में लॉन्च हो चुका है, कुछ ही दिनों बाद इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। अगर बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशन की वो कुछ इस तरह से आपको मिलने वाले हैं। 6.22 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, स्नैपड्रैगन का 439 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर पर काम करता है। 4GB की रैम मिलेगी, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है। 12+2 MP का रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बैक साइड में यहाँ भी ड्यूल LED फ्लैश देखने के लिए मिलेगी। 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें बैटरी की तो वो मिलने वाली है आपको 5000 mAh की। जो हाईलाइट फीचर है इस फोन का वो ये है कि इसके अंदर आपको टाइप सी का स्लॉट मिलता है और 18W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। प्राइस आपको मिलता है 7999 रुपये का 4GB 64GB वेरियंट का। अगर बात करें मेरे ओपिनियन की दोस्तों, तो इन सभी स्मार्टफोन में से मैं सिर्फ 2 स्मार्टफोन को चूज करूंगा। एक करूंगा इन्फिनिक्स के हॉट 8 को, क्योंकि इस फोन के अंदर बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, साथ ही साथ आपको फ्रंट साइड में भी फ्लैश देखने के लिए मिल जाती है। कुल मिलाकर इन्फिनिक्स हॉट 8 अपने प्राइस रेंज में काफी अच्छा स्मार्टफोन है। साथ ही साथ इसका एक और हाईलाइट फीचर है कि इसके अंदर आपको क्वाड LED फ्लैश देखने के लिए मिलती है। अगर बात करें सेकंड स्मार्टफोन की, तो सेकंड स्मार्टफोन मैं चूज करूंगा रेडमी की तरफ से Redmi 8। रेडमी 8 के अंदर वैसे तो काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन है, प्राइस थोड़ा सा इन्फिनिक्स हॉट 8 से थोड़ा सा अप है,
लेकिन अगर बात करें इसके हाईलाइट फीचर्स की तो इसके अंदर टाइप सी का स्लॉट मिलता है और यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी के साथ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। दोस्तों अगर आपको इन सभी स्मार्टफोन में से कोई स्मार्टफोन एक चूज करना पड़े तो आप कौन सा स्मार्टफोन चूज करोगे उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर कोई स्मार्टफोन मेरे से रह गया हो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।